What is negative energy? What are negative people? What is toxic relationships? And why all these affecting us? I mean, ये questions आप सबके पास होंगे and इन सब का answer आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. तो negative energy क्या है एंड हमें ये कैसे इफेक्ट करती है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है. एंड देन फिर हम उसके डिस्कस करेंगे टिप्स एंड कुछ रिचुअल्स जिससे हम नेगेटिव एनर्जी को फ्लश आउट कर सकते हैं इजीली, वेरी इफेक्टिवली एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल एंड वेलकम टू माय डिवाइन ट्राइब. So today I am here with another video and this video is gonna be very special for all of you. So before going ahead, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए swipe right and subscribe our channel. So let's dive into the video. So guys, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. What is negative energy? So, negative energy एक ऐसी energy है जो कि pure form में नहीं है and वो negatively जब हमको affect करने लग जाती है, negative emotions, negative thoughts and negative situations arise जब होने लग जाती हैं, then हम यही बोलते हैं कि हमारे आसपास कोई negative energy है या फिर किसी person की negative energy और negative aura ने हमको affect किया हुआ है. सो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी क्यों हमें अफेक्ट करती है एंड कैसे हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता होगा. सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एज यू नो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इन द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स एनर्जी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यस गाइस, सो जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं या किसी के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, किसी प्लेस पे, किसी एनवायरनमेंट में, किसी डिस्कशन में, देन हम थॉट्स को, लैंग्वेजेस को, सिचुएशंस को, ऑरा को, बहुत सारी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं. एंड अगर सामने वाला पर्सन या सामने वाली प्लेस और सिचुएशन जहाँ पे भी आप हो, वहाँ की एनर्जी अगर सही नहीं है तो वो आप कैच कर लेते हो एज एन एक्सचेंज एंड वो एनर्जी आपके साथ चलती है एंड नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशंस, ये सब अराइज होनी हमारी लाइफ में शुरू हो जाती हैं. सो गाइस, टू क्लियर दिस एनर्जी वी नीड टू डू सम टिप्स और वी नीड टू परफॉर्म सम रिचुअल्स, यस, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड विच विल इवेंचुअली हेल्प यू टू क्लियरिंग आउट दोज नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव एनर्जी. सो आई होप दैट नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग आप सबको मतलब समझ आ गया होगा इन सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज एंड उसको क्लियर करना कितना ज़रूरी है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो अब मैं डिस्कस करूंगी कुछ टिप्स और कुछ रिचुअल्स जिससे कि आप जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उसको आप क्लियर आउट कर सकते हो वेरी सिंपल एंड इफेक्टिवली, राइट. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट टिप फॉर क्लियरिंग नेगेटिव एनर्जी इज यू हैव टू कीप ब्लैक जेट स्टोन और ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल इन टू योर राइट हैंड एंड देन यू हैव टू होल्ड इट एंड विजुलाइज इट कि जो भी आपकी स्ट्रेस हैं, जो भी आपकी वरीज हैं, वो सारी उस ब्लैक जेट स्टोन और ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल में जा रही हैं एंड आपकी जो भी स्ट्रेस, वरी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी, वो सारी कैच कर रहा है ब्लैक टर्मिनल. एंड उसके बाद आप उस क्रिस्टल को, उस स्टोन को वाटर के साथ क्लेंस कर लीजिए, चार्ज कर लीजिए एंड अगेन वो सारा जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिमूव हो जाएगी एंड ईजिली क्लेंस हो जाएगी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑल, कीप अ ब्लैक टर्मिलिन क्रिस्टल टम्बल इन योर पर्स, इन योर कार, इन योर बेडरूम, सो दैट वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता रहे. सो आई होप
ये टिप बहुत ही इफेक्टिव है एंड आप इसको डेफिनेटली करने वाले हो. सो सेकेंड टिप और रिचुअल टू क्लियर आउट नेगेटिव एनर्जी इज गो आउटसाइड बेयरफुट ऑन द मदर अर्थ. वहां पे जाके नंगे पांव कच्ची मिट्टी में गीली मिट्टी में आप खड़े हो जाइए एंड विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके कि आप मदर अर्थ की पर्ल्स को फील कर रहे हो. यानी आप मदर अर्थ को फील कर रहे हो एंड आपने अपनी आंखें बंद करके ये विजुलाइज करना है कि आपकी जो रूट्स हैं जहाँ पे आप खड़े हो वो जो रूट्स हैं वो नीचे तक बढ़ती जा रही हैं एंड उसी प्लेस पे नीचे जाके एक रिवर फ्लो कर रही है एंड आप वहाँ तक उस रिवर तक अपनी रूट्स को फैले हुए महसूस कर रहे हो एंड आपने ये मदर अर्थ को कहना है कि जो एनर्जी मेरी नहीं है उस एनर्जी को आप उस वाटर में दे दीजिए, मल्च कर दीजिए एंड देन उस वाटर के साथ एक नई एनर्जी स्प्रेड कीजिए मुझ में और यूनिवर्स में. सो दिस इज़ द वेरी गुड मेथड. इसमें सारा काम विजुलाइजेशन का ही है. आप जाके उस प्लेस पे खड़े होके आंखें बंद करके प्रॉपर वे से विजुलाइज करेंगे, अपनी रूट्स को स्प्रेड होते रिवर तक पहुंचते हुए देखेंगे एंड वहां से एनर्जी वैनिश होते और एक नई एनर्जी स्टार्ट होते स्प्रेड होते यूनिवर्स में देखेंगे एंड आपको फील होगा कि आप में जो एक बर्डन है, एक स्ट्रेस है या फिर कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर आप फील कर रहे हो वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड टू क्लियर आउट नेगेटिव एनर्जीज और इमोशंस और थॉट्स. डू इट एंड ट्राई इट. सो नाउ द थर्ड रिचुअल और टिप टू क्लियर आउट द नेगेटिव एनर्जी इज एज द सन पीक्स द हॉरिजोन गो आउटसाइड स्टैंड बेयरफुट facing toward the sun and close your eyes and visualize that the sunlight streams into your third eye chakra here. Third eye chakra. So you can take it as a spirit cleansing shower. ये एक बहुत ही अच्छा and effective ritual है. Sunlight is full of powers and energy. सनलाइट में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एंड उससे बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग एंड क्लियरिंग हो सकती है एंड होती भी है. अगर आप उसको अच्छे से परफॉर्म करो एंड अच्छे से थर्ड आई में सनलाइट को फील करो कि वो आपकी थर्ड आई को टच कर रही है एंड थर्ड आई क्लियर कर रही है, थर्ड आई चक्र आपका, तो बहुत ही इफेक्टिव वे से आपकी क्लेंजिंग एंड क्लियरिंग हो जाएगी. द फोर्थ रिचुअल एंड टिप इज सी सॉल्ट बॉथ. यस, sea salt have a capacity to remove all the negative energy. So, take a bath water, put half of the sea salt and then you can also add some herbs which will eventually help you to clearing out all the energies and negative emotions and take a bath with this and you feel pure, you feel positive and you feel superb. Yes. So sea salt आपने जो use करना है वो I think बहुत ही कम quantity में आप ले सकते हो and बहुत सारे sea salts available हैं market में. You can purchase them and उससे आप बात ले सकते हो. सो सी सॉल्ट से अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है तो आई थिंक दिस मेथड इज़ नॉट फॉर यू गाइस एंड प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग एनी ऑफ द रिचुअल अबव रिचुअल. अगर आप किसी से भी कोई एलर्जी है या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ से तो आप वो वाला मेथड स्किप कीजिए एंड उसको परफॉर्म ना कीजिए. सो द लास्ट टिप एंड रिचुअल ऑफ द डे इज use of sage or dhoop or palo santo sticks or any of these kind of things which will help you to clear out the energy of your house, your office or your place. One thing you have to keep in your mind that there must be a window or door jisko hum open kar sakte hain so that jo bhi negativity hai wo window or doors ke through
बाहर चली जाए. सो सेज, पालो संतो स्टिक्स, अगरबत्तीज, धूप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. यू कैन बाय विच एवर सूट्स यू एंड जिसकी भी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगे और जिस कंपनी का आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो. बट वाइट सेज आई स्पेशली मैंशन हियर, वाइट सेज इज़ वेरी मच इफेक्टिव. एंड अगर वाइट सेज आपको मिलती है तो वो बहुत हेल्प करती है क्लियरिंग में एंड क्लेंजिंग में. सो वाइट सेज को आप यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज आप और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो. सो ये एक बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव मेथड है अपनी स्पेस को क्लेंस करने का, एनर्जी को क्लियर आउट करने का एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का. सो आई होप गाइस दैट आपको सारे रिचुअल्स और टिप्स अच्छे लगे होंगे एंड आप इनको ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा. अगर आप नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिविटी से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं तो ये सारे रिचुअल्स आपको हेल्प करेंगे टू क्लियर आउट योर एनर्जीज एंड टू फील पॉजिटिव एंड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ और अराउंड पीपल जो भी आपके आसपास हैं. So last, if you like this video, then please don't forget to like and subscribe our channel and please share as much as you can because our mission is to heal the world. Yes, we can heal the world, we can spread positivity and we can reach out to people to help them. This is the main goal of Divine Soul. We would like to thank you everyone जिन्होंने भी हमें support किया है and जिन्होंने भी हमारे channel को subscribe किया है, share किया है, देखा है, like किया है. We are highly grateful. And lastly, we are thankful to all the energies of the universe क्योंकि उन्होंने हमें ये एक space create करके दी है जिससे कि मैं आप सबसे मिल सकती हूँ यहाँ पे and अपने जो भी views हैं, जो भी अपना experience है वो आपके साथ यहाँ पे share कर सकती हूँ. So till then, take care and lots of love and blessings. We will meet on another video. Take care and have a safe day.